बेली फैट को कम करने के लिए दो चीजें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। पहली है आपकी डाइट और दूसरा है आपका एक्सरसाइज। अगर आप सिर्फ एक्सरसाइज पर पूरी तरह फोकस करते हैं, डाइट का ध्यान नहीं रखते हैं, ओवर ईटिंग करते हैं, या जो चीजें आपको नहीं खानी चाहिए लाइक प्रोसेस्ड फूड या मैदा वाला खाना, तेल वाला खाना, ये सब पे आप डटे रहते हैं, कितनी भी आप एक्सरसाइज कर लो उनका ज्यादा रिजल्ट आपको दिखाई नहीं देगा। वहीं अगर आप सिर्फ डाइट के भरोसे रहते हैं, एक्सरसाइज नहीं करते हैं, तो इससे आप जो वेट लॉस करेंगे उसमें आप अपना मसल्स लॉस भी कर लेंगे और अपना वाटर लॉस करेंगे, लेकिन जो आपका फैट है वो आपका एक्सरसाइज करने से ही खत्म होगा। आज जो मैं आपको एक्सरसाइज बताने वाली हूँ ये आपके बेली फैट को कम करने के लिए बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव एक्सरसाइज है। ऑफकोर्स जो एक्सरसाइज होती है ये हमारे पूरी बॉडी से फैट को खत्म करती है, लेकिन जब हम किसी पर्टिकुलर मसल ग्रुप को टारगेट करते हैं तो हमारा वहां का फैट सबसे तेजी के साथ में कम होता है। तो इसी तरीके से जो आज की एक्सरसाइजेज हैं ये आपकी पूरी बॉडी के एक्स्ट्रा फैट को कम करेंगी, लेकिन सबसे ज्यादा इफेक्ट आपके बेली पे होगा। ये एक्सरसाइजेज आपको मेरे साथ साथ में करनी है। तो चलिए वर्कआउट शुरू करते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि इस तरीके की हेल्थ फिटनेस एक्सरसाइज से जुड़ी वीडियोस कंटिन्यूअसली मेरे चैनल पर आती रहती हैं। तो स्टार्ट करेंगे वार्म अप के साथ में। करेंगे 30 जंपिंग जैक्स। सो स्टार्ट, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 20, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 30। नाउ विल डू अवर नेक्स्ट एक्सरसाइज। एक्सरसाइज हमें करनी है वार्म अप। वार्म अप करने के लिए इस तरीके से मैट के एक साइड पे आ जाएंगे, सांस भरते हुए हाथों को ऊपर लेके जाएंगे, आगे बैंड, फिर वॉक करते हुए मैट के दूसरे एंड पे आएंगे, प्लैंक होल्ड, 1 2 3 एंड बैक। ये हमें करना है फॉर नेक्स्ट 5 times। सो टेक पोजिशन एंड स्टार्ट। Breathe in, stretch, breathe out, bend, walk, plank hold, 1 2 3, back, 1 1 2 3, 2, वन टू थ्री, थ्री, वन टू थ्री, फोर, वन टू थ्री, फाइव। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज करने के लिए मैट पे आ जाएंगे। तो नेक्स्ट एक्सरसाइज करने के लिए इस तरीके से प्लैंक पोजीशन लेंगे, पैरों के बीच में इतना ही गैप देंगे जितना हाथों के बीच में है, फुल प्लैंक पोजीशन, और हमें करना है प्लैंक रोटेशन फॉर नेक्स्ट 10 times। तो स्टार्ट, 1 2 3, 4 5 6 7 8 9 10। ये एक्सरसाइज आपके आर्म्स को भी टोन अप करती है, आपके चेस्ट के फैट को कम करने के लिए बहुत अच्छी एक्सरसाइज है, और साथ ही साथ ये आपके पेट को, जो आपके कोर मसल्स होती हैं उनको टाइट करती है, वहां का फैट रिड्यूस करके मसल्स में कन्वर्ट करती है। अब हम करेंगे हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज। नेक्स्ट एक्सरसाइज करने के लिए इस तरह से मैट पर लेट जाएंगे, अपने पैरों को अपने हिप से थोड़ा सा डिस्टेंस पे रखेंगे,
सांस भरते हुए हाथों को ऊपर लेके जाएंगे। हमें करने हैं नी क्रंचेस। नी क्रंचेस करने के लिए सांस भरते हुए इस तरह से ऊपर उठेंगे एंड बैक। ये हमें करना है फॉर नेक्स्ट 10 टाइम्स। सो स्टार्ट, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Now we'll do our next exercise. नेक्स्ट एक्सरसाइज करने के लिए अगेन इस तरीके से फुल प्लैंक पोजीशन लेंगे, पैरों को इस तरह से पीछे लेके जाएंगे, हाथों पे अपना वेट रखेंगे और अब हमें करने हैं 20 प्लैंक जैक। तो स्टार्ट, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 20. नेक्स्ट एक्सरसाइज करने के लिए अगेन मैट पर लेट जाएंगे, अपने दोनों पैरों को इस तरह से ऊपर उठा लेंगे, गर्दन को ऊपर उठाएंगे, 3 बार अपने हाथों को इस तरह से फ्लाई कराना है, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. जब 4 करेंगे तो अपने पैरों को बिल्कुल सामने की तरह पूरा स्ट्रेच कर देंगे। ये हम करेंगे फॉर नेक्स्ट 10 टाइम्स। तो टेक पोजीशन एंड स्टार्ट, 1, 2, 3, 2, 1, 2, 3, 2, 1, 2, 3, 3, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 5, 1, 2, 3, 6, 1, 2, 3, 7, 1, 2, 3, 8, 1, 2, 3, 9, 1, 2, 3, 10. इस एक्सरसाइज को करते हुए ये जो आपका नाभि के आसपास का एरिया है, नाभि के नीचे वाला एरिया है, वहां पे बहुत टेंशन सा क्रिएट होता है, बहुत जोर पड़ता है यहाँ पे, क्योंकि हमारी यहाँ की सारी मसल्स ग्रुप जो यहाँ का है वो पूरा एंगेज होता है इस एक्सरसाइज को करने में, जिससे आपका यहाँ का फैट रिड्यूस होता है। अब हम करेंगे हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज। नेक्स्ट एक्सरसाइज करने के लिए दोनों पैरों को अपने हिप से थोड़ा सा दूर रखेंगे इस तरीके से, कमर को ऊपर उठाएंगे इस तरह से, अपने एक पैर को इस तरह से ऊपर उठाएंगे और इसी तरह से हमें ब्रिज लगाने हैं, लाइक दिस। ठीक है, तो ये हम करेंगे 10 टाइम्स एक पैर से और 10 टाइम फिर दूसरे पैर से। तो टेक पोजीशन एंड स्टार्ट, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. दूसरे पैर से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Now we'll do our next exercise. Next exercise करने के लिए again plank position ले लेंगे। इस तरीके से फुल प्लैंक पोजीशन में आएंगे, हाथों और पैरों के बीच में सेम स्पेस देंगे और हमें करना है शोल्डर टैप फॉर नेक्स्ट 10 टाइम्स। तो स्टार्ट, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Now we'll do our next exercise. Next exercise करने के लिए खड़े हो जाएंगे। Next जो हमारी exercise है, that is star jump. Star jump करने के लिए आपको सबसे पहले इस तरह से इस position में बैठ जाना है और फिर jump करते हुए आपको star की तरह खुल जाना है, like this. One. इस तरीके से हम इस exercise को करना है। ये हम करेंगे for next 10 times. So, take position and start for next 10 times. 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ये आपके बेली फैट के साथ साथ आपके थाइस के फैट को और हिप के फैट को कम करने के लिए भी बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। नाउ जो अवर लास्ट एक्सरसाइज दैट इज स्टैंडिंग क्रंचेस। इस तरीके से फिंगर्स को इंटरलॉक करके अपनी नेक के पीछे लेके जाएंगे, पैरों के बीच में थोड़ा सा गैप देंगे। अब अपने एक साइड के नी को ऊपर लेके जाएंगे और उसके अपोजिट साइड के एल्बो को नी से टच कराने की कोशिश करेंगे, लाइक दिस एंड बैक। इस प्रोसेसिंग में कमर को आपको बिल्कुल भी बैंड नहीं करना है, इस तरीके से ये प्रैक्टिस नहीं करनी है। कमर को सीधा रखेंगे और इस तरीके से आपको करना है। नी और एल्बो आपके टच हो रहे हैं तो ठीक है, नहीं टच हो रहे हैं तो जितना इजीली टच हो रहे हैं उतना कीजिए। सो टेक पोजीशन फॉर नेक्स्ट 10 times एंड स्टार्ट। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। टुडेज वर्कआउट डन। आई होप कि आपने एक्सरसाइज जरूर एंजॉय की होंगी। किसी भी एक्सरसाइज से जुड़ा हुआ आपका कोई भी सवाल है कमेंट सेक्शन में लिख के पूछ सकते हैं। अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, फिट रहिए। थैंक यू।